सावन के महीने में क्या खाएं और क्या नहीं, थकान और कमजोरी से बचने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट। इस सावन अगर आप भी व्रत रखने जा रहे हैं तो यह आर्टिकल आप ही के लिए है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि इस दौरान आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए और किन चीजों के सेवन से आपको परहेज करना चाहिए। बता दें, भगवान शिव को समर्पित श्रावण का ये पवित्र महीना इस बार 22 जुलाई 2024 से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। इस साल 22 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। खास संयोग है कि इस बार सावन का पहला दिन सोमवार को ही पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग पहले सोमवार का व्रत रखेंगे। बता दें, 19 अगस्त तक चलने वाले इस पवित्र महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। इस दौरान कई लोगों के लिए खान पान से जुड़ी चीजों को चुनना बेहद उलझन भरा भी हो जाता है, इसलिए इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें डाइट में शामिल करके आप दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं। नंबर 1, फल। श्रावण मास में फलों का सेवन जरूर करें। रोजाना कम से कम एक बाउल फ्रूट्स खाने से आप न सिर्फ कमजोरी से बचेंगे बल्कि दिन भर शरीर भी एनर्जेटिक बना रहेगा। ऐसे में सेब, केला, अंगूर, अनार और पपीता बढ़िया ऑप्शंस हैं। फाइबर से भरपूर होने के कारण इन चीजों को खाने से आपका पेट भी काफी देर तक भरा रहता है। नंबर 2, ड्राई फ्रूट्स। शाम को व्रत खोलने के दौरान आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनमें विटामिन और कई पोषक तत्वों का खजाना होता है जो आपको थकान और कमजोरी से बचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आप काजू, बादाम, अखरोट और अंजीर जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान साबूदाना खूब पसंद किया जाता है। इसकी मदद से न सिर्फ स्वादिष्ट डिशेज तैयार हो जाती हैं, बल्कि यह फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों का भंडार भी होता है। शाम को व्रत खोलते वक्त आप इसकी खिचड़ी या कम तेल में बनी टिक्की भी खा सकते हैं। उपवास के दौरान सिंघाड़ा भी सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। इसके सेवन से न सिर्फ मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है बल्कि आप ऑक्सीडेटिव तनाव से भी बचते हैं। इसे खाने से शरीर को कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और पाचन तंत्र भी हेल्दी रहता है। सावन में व्रत के दौरान आप नारियल को भी कई तरीकों से डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ खाने का स्वाद भी बढ़ाता है और इसके सेवन से पेट भी काफी समय तक भरा रहता है। इन चीजों से करें परहेज। सावन के महीने में आपको ज्यादा तीखा या मसालेदार खाने से बचना चाहिए। बता दें, इससे न सिर्फ पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या होती है बल्कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा कार्ब्स वाली चीजों के सेवन से भी आपको बचना चाहिए। डिस्क्लेमर: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए है और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।